खरगोन में शादी छोड़ थाने पहुंचा दुल्हन पक्ष, दहेज मांगने का लगाया आरोप। शादी होने के बाद भी बिना दुल्हन के लौटी बारात वापस। खरगोन के एक निजी मैरिज गार्डन में एक शादी के दौरान कुछ ऐसा हुआ कि दूल्हा मंडप छोड़कर चला गया, तो वही दुल्हन की मां थाने पहुंच गई, जबकि दुल्हन को बेहोशी की हालत में अस्पताल ले जाया गया। बता दें कि बीती रात एक शादी में हंसी खुशी से चल रहे समारोह के बीच कहा सुनी के बाद बारात बिना दुल्हन के लौट गई, जिसके बाद दुल्हन की मां थाने पहुंची और उसके परिवार पर दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए FIR दर्ज करवाई। दुल्हन की मां ने आरोप लगाया है कि दूल्हे और उसके पिता ने लग्न फेरे होने के बाद 20 लाख की डिमांड की। डिमांड पूरी न करने पर दुल्हन को छोड़कर बारात वापस ले गए, जिसके बाद FIR दर्ज करवाई है। सर, ये लोग आए बारात लेको, पहले तो इन्हें दूल्हे को अंदर पहुंचवा दिया, लगन पे बिठवा दिया। मैं तो मेरे कमरे में बैठी थी, क्योंकि लड़की के लगन नहीं देखते हमारे में। अब ये माला डालने गए तो इनकी माला उन्हें छुड़ा को फेंक दी, माला हाथ में से निकाल को फेंक दी। मेरे को आको बताया, बच्चे ने बुलाया कि मम्मी बोले पापा के हाथ में से माला निकाल को फेंक दी उन लोगों ने। मैंने क्या, ठीक है मैं जाको बात करती हूँ उनसे कि भाई क्या कारण है। मैं आई बाहर, निकल को वहाँ खड़े हुए थे वो लोग। मैं गई, मैंने भाई क्या बात है, तो वो बोले कि हम शादी तभी करेंगे कि हमको 20 लाख रुपए चाहिए। तो मैंने भैया ये बात मेरे से तुमने शादी से पहले करनी थी, अब मेरी बच्ची के तुमने लगन पे बिठा दिया, लगन लगवा ली है, और एंड टाइम पे तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं मेरे साथ। तो बोले नहीं, हमको 20 लाख रुपए चाहिए, और ये शादी जो ये गार्डन वगैरह भी करवाया तो ये उनने मेरे से जोड़ देखो सब कुछ करवाया। मैं खंडवा की रहने वाली हूँ, मेरे को यहाँ बुलवाया। मैंने पहले बोला कि भाई तुम आ जाओ मेरे घर में, गरीब इंसान हूँ मैं नहीं कर सकती। तो मैंने, आप खंडवा आ जाओ, तो बोले हम खंडवा नहीं आएंगे। तो मैंने मेरे भाई को, मेरे भाई ने बोला कि मैं मेरी बच्ची का कर देता, तू तेरी बच्ची का कर दे। तो दो ही भाई बहन मिलको इतना बड़ा आवेदन उन लोग ने हमारे से करवाया, तो मेरा तो करा नुकसान, साथ में उसका भी नुकसान हुआ है। कहाँ के बराती, कौन थे लड़के वाले? लड़के वाले यही के हैं, खरगोन के। क्या नाम है उनका? नाम है आनंद, लड़के का नाम आनंद गरास, और उसके बाप का नाम है कमल गरास। क्या करते हैं वो? बर्तन दुकान है उनकी, यहाँ तालाब चौक में, रामदेव बाबा के मंदिर के वही। अब क्या चाहते हैं हम? क्या अब क्या चाहना क्या है सर? वो मेरी बच्ची को धक्का मार को चले गया, मैं उसके पाँव पड़ रही, उसकी माँ क्या पाँव पड़ रही, वो लोगों ने बिल्कुल मेरी नहीं सुनी। मेरा मेरे बच्चों को धक्का मारा, उसका पैर जल गया मेरे बच्चे का हवन कुंड में। यानी हमने सब लोगों ने उनको गिड़गिड़ाया कि भाई तुम ऐसा क्यों कर रहे हैं। आज मैंने कल 5-7 लाख रुपए का रिसेप्शन रखवाया मेरे से, और मेरा खाना पीना सब मैंने ऐसे ऐसे फेंका। आज मैंने पैसा ब्याज से उठाया सर, हम कोई लखपति लोग नहीं, कपड़े का धंधा करने वाले लोग हैं, हमको तो न्याय चाहिए। मेरे पति आग से, दोनों हाथ में लेंस डाले मेरे पति। शादी के अंतिम समय में इन्होंने, हाँ अंतिम समय में लगन लगाने के बाद इन लोगों ने नाटक करे मेरे साथ में। और मैं छोरी को धक्का मार को चले गए, मेरी पूरी बेहोशी हो गई, तो उसको अस्पताल में एडमिट करा उसकी गाड़ी। बलराम गराशे और उनका पूरा परिवार, मेरी बहन है रेखा मल्लो, ये खंडवा से ही थी, साथ में मेरी भतीजी की भी शादी थी, दो सामूहिक शादी थी इसके अंदर। अब इनके बीच में ये विवाद हुआ कि लड़के की जब बारात आई तो बारात के समय तो वो आए, लड़के को अंदर भेजा, बाकी पूरा परिवार बाहर रहा। हम लोगों ने निवेदन किया कि बाहर किस कारण से, तो हमको ऐसा कुछ नहीं बताया। लगन लगने के बाद मेरी बहन को बाहर बुला के बोलते हैं कि हमको 20 लाख रुपए चाहिए, लड़के की पढ़ाई कर रहा है, उसको नौकरी लगवाना है। तो उस कारण हम लोगों ने काफ़ी समझाइश दी, बाकी माने नहीं। हम प्रशासन से ये चाहते हैं कि हमारी बहन को पूरा न्याय मिले। उसने बहुत गरीबी स्थिति से शादी की है, छोटे छोटे समूह के लोन उठा के पैसा एकत्रित किया है। हम प्रशासन से ये चाहते हैं कि उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। हाँ, इसमें कल एक महिला थाने पर हाजिर आई थी, रेखा पति अनिल मंडलोई, इनकी बच्ची का विवाह तय हुआ था और कल विवाह ही था फत्तू माली धर्मशाला में, नूतन नगर में। लेकिन लड़की पक्ष की ओर से रुपये की डिमांड की गई, करीबन 20 लाख रुपये की डिमांड की गई है, इस कारण से ये लोग देने में असमर्थ थे, तो लड़के की बारात वापस चली गई। हाँ, शादी आधी हो गई थी, आधी बाकी थी, उसी बीच में इनका लेन देन को लेकर कुछ विवाद हो गया था। हाँ, अपराध कायम किया गया है 498/34(3/4) दहेज पति अधिनियम का। अभी गिरफ्तारी नहीं, गिरफ्तारी के जो विवेचन का प्रयास कर रहे हैं, इसमें 5 लोगों के खिलाफ अपराध कायम हुआ है। हाँ, डिजियाना न्यूज डिमांड रिपोर्ट, खरगोन। निमाड़ की पल पल की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल डिजियाना न्यूज निमाड़ को सब्सक्राइब जरूर करें।